स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में कई मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, जिनकी अपनी रिस्पेक्ट और अपना ऑरा है। और इन एकेडमीज में जाने के लिए लाखों बच्चे सालों मेहनत करते हैं और डिफेंस एग्जाम्स एंड SSB इंटरव्यू को क्लियर कर अपनी ड्रीम एकेडमी को चुनते हैं। ऐसे ही एक सबसे खास एकेडमी है IMA, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें जाने का सपना हर एस्पिरेंट ने कभी ना कभी तो जरूर देखा होता है और कुछ के ये सपने पूरे भी होते हैं। अगर आप एक IMA एस्पिरेंट हैं, तो आपने भी ये कभी ना कभी सोचा होगा कि IMA में आपका पहला दिन कैसा होगा। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स के फर्स्ट डे के बारे में। दोस्तों, SSB क्रैक एग्जाम्स के SSB इंटरव्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारत की बहुत से डिफेंस एकेडमीज में से एक और बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमी है। IMA देहरादून में स्थित है और IMA के थ्रू मेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी में एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि IMA ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स का पहला दिन कैसा बीतता है। IMA ज्वाइन करने वाले नए कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन एंट्रेंस गेट पर एक रिसेप्शन बनाया जाता है, जहां NCO ड्यूटी पर होते हैं और वो IMA आने वाले कैंडिडेट्स को रिसीव करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, फोटो आईडी और ज्वाइनिंग लेटर की जांच करते हैं और क्योंकि इन कैडेट्स को बैच वाइज बस द्वारा IMA में पहुंचाया जाता है और सबके आने की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए पहले आ चुके कैंडिडेट्स को यहां चाय भी दी जाती है। इसके बाद इन कैडेट्स को बस के द्वारा IMA पहुंचाया जाता है। कैडेट्स जब पहली बार चिटवुड बिल्डिंग को सामने से देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचना ही एक सपने जैसा होता है, क्योंकि आप वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं जो आपने कभी सिर्फ सोचा या वीडियोस में देखा होता है। इधर से उधर दौड़ते जेंटलमैन कैडेट्स, एकेडमी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एकेडमी का माहौल, हर एक चीज बिल्कुल सपने के सच होने जैसी होती है। जो कैंडिडेट्स टाइम पर देहरादून रेलवे स्टेशन नहीं आ पाते, तो ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट IMA पहुंचना होता है और IMA के मुख्य द्वार पर रिपोर्ट करना होता है। कैंडिडेट्स के पेरेंट्स या गार्जियंस एकेडमी आ सकते हैं, लेकिन उनको कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होते ही वापस जाना होता है। IMA पहुंचने के बाद इन कैडेट्स को एक GC क्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पे कैंडिडेट्स फ्रेश होते हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात अपने SSB टाइप से होती है, जिन्होंने साथ में ही SSB इंटरव्यू क्लियर किया था। इसके बाद नाश्ता करके यह कैडेट्स कार्यालय में लाए जाते हैं, जहां इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स को बैटालियंस एंड कंपनीज में बांटा जाता है, उसी तरह से इन नए कैडेट्स को भी उनकी बैटालियंस एंड कंपनीज अलॉट की जाती है, जिसकी शान के लिए वो आगे चलकर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। बाद में इन कैडेट्स को बसों के द्वारा इनके संबंधित बटालियन क्षेत्र में उतारा जाता है, जहां एक JUO यानी कि जूनियर अंडर ऑफिसर, जो कि एक सीनियर कैडेट होता है, इनको रिसीव करता है और निर्देश देता है। इसके साथ ही उनको रूम अलॉट किया जाता है, जिसके बाद इन कैडेट्स को अपने कागजात की जांच के लिए बटालियन कार्यालय जाना पड़ता है। यहां सभी प्रमाण पत्र एकत्र कर लिए जाते हैं। अब आप एक कैंडिडेट से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जेंटलमैन कैडेट बन चुके हैं। इसके साथ ही आपको एक एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपकी एक पहचान बनता है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिए जाते हैं और एकेडमी के बेसिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। इसके बाद उनका बार्बर शॉप में ले जाकर हेयर कट करवाया जाता है। 2011 के बाद आर्मी का सिग्नेचर कटोरा कट की जगह छोटे छोटे बाल रखने की अनुमति है, तथा साथ ही उन्हें वर्दी, जूते इत्यादि जारी किए जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें एकेडमी को दिखाया जाता है। IMA के अंदर घूमने के लिए जेंटलमैन कैडेट्स को बाईसाइकिल भी इशू की जाती है।
रात 8 बजे खाना होता है, जिसके लिए शाम के करीब 7 बजे के बाद ही ये कैडेट्स मेस पहुंचने लग जाते हैं और करीब एक घंटे तक मेस के सामने लाइन में खड़े रहते हैं। पूरी एकेडमी मेस के सामने एक डेली रोल कॉल के लिए इकट्ठा होती है। सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन कैडेट्स की काउंटिंग करके खाने के मेस एटिकेट्स के बारे में निर्देश देते हैं और तब ये कैडेट्स खाना खाने जाते हैं। खाने के बाद ऑफिशियली ये कैडेट्स अपना दिन खत्म करके अपनी अपनी कंपनी बैरेक्स में सोने चले जाते हैं और इस तरह से इन नई ज्वाइनिंग कैडेट्स का पहला दिन एकेडमी में पूरा होता है। इन सब के बीच कैडेट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइफ लॉन्ग कोर्समेट बॉन्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हर एक IMA कैडेट को ओवर स्टडी अलॉट किया जाता है। आपका ओवर स्टडी आपका सीनियर होता है और आपको एकेडमी के कायदे कानून सिखाता है और गलती करने पर रगड़ा भी देता है। दोस्तों, IMA का पहला दिन पूरी 1.5 साल की ट्रेनिंग को बयान नहीं कर सकता। IMA की लॉन्ग ट्रेनिंग आपकी लाइफ में आने वाले सबसे मुश्किल लेकिन लाइफ चेंजिंग दिन होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा रहता है IMA में कैडेट्स का पहला दिन, जिसमें उन्हें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से रूबरू कराया जाता है। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और IMA ज्वाइन करके भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में जीवन जीने का मन किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात जरूर लेकर आते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।